के बारे में पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, यानी एक आईसी इंजन की वर्किंग में कितने स्ट्रोक्स इन्वॉल्व होते हैं। इंजन नोमेनक्लेचर में हमने कॉम्प्रेशन रेशो के बारे में पढ़ा था, तो वो डेफिनेशन और इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। एंड कार्नोट साइकिल की हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की, तो एफिशिएंसी के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो बिफोर मूविंग फर्दर, इस लेक्चर को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और रिकॉल कीजिए कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आते हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन। द पेट्रोल इंजिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज SI इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि सारे पेट्रोल इंजिन्स में एक स्पार्क प्लग होता है जो फ्यूल को बर्न करने के काम में आता है, फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए पेट्रोल इंजिन्स को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं और सारे पेट्रोल इंजिन्स ऑटो साइकिल पर काम करते हैं। ऑटो साइकिल निकोलस ऑटो ने इन्वेंट की थी 1867 में, एंड ही प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ पेट्रोल इंजिन आल्सो। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट वन इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, देन हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आफ्टर दैट एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड द लास्ट वन इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो नेम्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल का दूसरा नाम ऑटो साइकिल है। Now, the process involved in auto cycle. यहाँ चार प्रोसेस होती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। चार प्रोसेस में सबसे पहले होती है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1-2। और कॉम्प्रेशन प्रोसेस में हम लोग गैस को कॉम्प्रेस करते हैं, यानी वॉल्यूम को कम करते हैं। वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है और इसीलिए वर्क डन हमें सप्लाई करना पड़ता है। देन प्रोसेस 2-3 इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 2-3 जो प्रोसेस है उसको वर्टिकली डिनोट किया गया है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तीसरी प्रोसेस होती है एडियाबेटिक एक्सपांशन, एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन 3-4 यहाँ परफॉर्म हो रही है और इस प्रोसेस में वर्क डन होता है, यानी वर्क आउट आता है, आपको आउटपुट मिलता है। एंड लास्ट प्रोसेस इज द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होगा और इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस हो रही है, इसीलिए ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। Now we are going to draw the PV and TS diagram of auto cycle. किसी भी साइकिल का PV और TS डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों डायग्राम से हमें पता चलता है कि साइकिल का कंप्लीट आउटपुट क्या है, यानी वर्क डन कहाँ हो रहा है, हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, ये सब हमें PV डायग्राम और TS डायग्राम से पता चलता है। So आइए दोस्तों ड्रॉ करते हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे साइकिल ड्रॉ करते जाएंगे, आप भी अपनी कॉपी में ये साइकिल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले होता है पीवी डायग्राम, जिसमें प्रेशर वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। दूसरा डायग्राम है टीएस डायग्राम, जिसमें टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लिया जाता है और एंट्रोपी जो एस से डिनोट होती है उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह से हम लोग दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो सबसे पहली प्रोसेस ऑटो साइकिल में होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कम होगा और
प्रेशर बढ़ेगा। सबसे पहली प्रोसेस होती है 1-2। इस प्रोसेस में हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। अब प्रोसेस क्योंकि एडियाबेटिक है तो हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर जो गैस का वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस कॉम्प्रेशन है तो हमें वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गैस को कॉम्प्रेशन करने के लिए हमें वर्क ऐड करना पड़ेगा। तो वर्क इज एडेड इन दिस प्रोसेस। द सेकंड प्रोसेस इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू इन हो रहा है, हीट ऐड की जा रही है। जब हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं तो प्रोसेस 2-3 वी आर एडिंग हीट एंड हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा पर प्रेशर बढ़ते जाएगा। और क्योंकि हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं और किसी भी चीज को हीट ऐड करे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर T2 से बढ़कर T3 तक पहुंच रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एडेड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपांशन। इस प्रोसेस में 3-4 एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा और वर्क परफॉर्म होगा। तो जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है गैस वर्क परफॉर्म करेगी पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन के ऊपर जब गैस वर्क परफॉर्म करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और प्रेशर कम होते जाएगा। अब क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो इसका इफेक्ट टेम्परेचर पे भी होगा और टेम्परेचर भी पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। एंड देन द लास्ट प्रोसेस इज नोन एज हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगी। और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसीलिए 4-1 एक वर्टिकल लाइन से दिखाई गई है। एंड यहाँ पर भी टेम्परेचर कम हो रहा है इसीलिए प्रेशर भी कम होगा। तो दिस इज द लास्ट प्रोसेस विच इज हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट यहाँ पे रिजेक्ट होगी। तो ये पीवी और टीएस डायग्राम है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। और क्योंकि ये पावर साइकिल है तो इसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क डन आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है। So that's why the formula is net work done divided by heat addition. Now heat addition हमारा input है और output जो आएगा वो difference होगा input और heat rejected का. So QA minus QR will be there. Now during this cycle heat is added at constant volume during the process 2 and 3. जैसे कि दूसरी process थी 2-3 is heat supplied या heat addition एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिंग का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि क्यू ए इज इक्वल टू सी वी एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। सो इस तरह से हम हीट सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड 4-1 प्रोसेस में हो रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो इस प्रोसेस में भी हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, पर हीट रिजेक्टेड होंगी एंड हीट रिजेक्टेड एट सी वी यानी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। सो इफ वी आर गोइंग टू पुट दिस टू वैल्यू इन द फॉर्मूला फॉर दिस क्यू ए माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू ए देन वी विल गेट दिस। एंड वेन द सी वी is taken constant and then finally